इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में SBI नेट बैंकिंग को लॉगिन कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हों उस ब्राउज़र को यहां से आप ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है SBI नेट बैंकिंग। तो आप जैसे SBI नेट बैंकिंग करेंगे सर्च, और यहाँ पर ऊपर 3 डॉट देख रहे हैं राइट साइड में, तो इस पे जा करके आपको डेस्कटॉप साइड कर देना है, और इसके बाद ऊपर दिख रहा होगा आपको retailonlinesbi.com। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर्सनल बैंकिंग है ऑनलाइन SBI, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा सा जैसा आपका इंटरनेट का स्पीड होगा उसी हिसाब से आपका ये ओपन होगा। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन, तो हम लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कंटिन्यू टू लॉगिन, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है, यूज़र नेम है, वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप जैसे आप यूज़र नेम, पासवर्ड, इन सारी चीज़ को यहाँ पे आप देख रहे हैं कैप्चा, इन सभी चीज़ को इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपके मोबाइल पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर एक OTP जाएगा, तो आपको क्या करना है उस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो चलिए हम उस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं इस तरीके से 87500 3, और इसके बाद हमें क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो अकाउंट है ऑनलाइन लॉगिन हो चुका है SBI का, जो हमारा नाम है वो यहाँ पर शो कर रहा है, और हमारा जो अकाउंट नंबर है वो शो कर रहा है, और सारी चीज़ों को हमने ब्लर कर दिया है कुछ सिक्योरिटी रीज़न के कारण। और ऊपर जो भी आप देख सकते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल पेमेंट है, डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, ई टैक्स है। इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं इससे रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने एक तरीका बताया आपको। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।